असल वरम्ला जब सेहतमंद लाइफ स्टाइल को बरकरार रखने की बात आती है तो प्रॉपर न्यूट्रीशन अहम किरदार अदा करते हैं अपनी गजा में न्यूट्रिशन से भरपूर गजाओं को शामिल करना ओवरऑल हेल्थ के लिए ज़रूरी है आज की इस वीडियो में हम दो मशहूर इंग्रेडिएंट्स दूध और किशमिश के फवाद पर बात करेंगे ये हेल्थी गएँ सेहत के हवाले से बेशुमार फवाद रखती हैं और इन्हें हम आसानी के साथ अपने रोजमर्रा के मामूल में शामिल कर सकते हैं तो आइए दूध और किशमिश के काबिल ज़िक्र फ़वाद को जानने की कोशिश करते हैं दूध एक तवील अरसे से से भरपूर मशरूब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जो सेहत और फवाद में अपनी मिसाल आप है दूध कैल्शियम का बेहतरीन सोर्स है दूध कैल्शियम के हाई कंटेंट के लिए मशहूर है जो इसे मजबूत और सेहतमंद हड्डियों को बरकरार रखने के लिए अहम बनाता है कैल्शियम का मुनासब इस्तेमाल आस्टोप्रोसेस को रोकने में मदद करता है और फ्रैक्चर के रिस्क को कम करता है दूध न सिर्फ कैल्शियम से भरपूर होता है बल्कि इसमें दीगर अहम गजाई अजा जैसे फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटाशियम विटामिन डी बी टू और बी बारह भी होते हैं ये गजाई अज़ा मुख्तलफ जिसमानी अफाल के लिए ज़रूरी हैं बशमूल तोानाई की पैदावार असाब्य फाल और सेहतमंद खून के खुलियात को बरकरार रखना फिर ये मसल्स की ग्रोथ और इन्हें रिपेयर करने में मदद देता है दूध हाई क्वालिटी प्रोटीन का एक कीमती सोर्स है जो पट्ठों की नशोनमुमा और मरम्मत के लिए बहुत ज़रूरी है दूध में मौजूद प्रोटीन में हमारे जिसम को दरकार तमाम जरूरी अमानो एसड होते हैं जो इसे प्रोटीन का मुकम्मल जरिया बनाता है आपके वर्जिश के बाद के मामूल में दूध को शामिल करने से पट्ठों की बहाली और नशो नुमा में मदद मिलती है फिर दांतों की हेल्थ को सपोर्ट करता है दूध दांतों को मजबूत करने की खूसियात के लिए भी जाना जाता है दूध में मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस दांतों के एनेमल को दोबारा मिनरल से पाक करने दांतों की खराबी को रोकने और मुंह की सेहत को बेहतर बनाने में मदद करते हैं हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस रखता है दूध एक बेहतरीन हाइड्रेटिंग ड्रिंक है खास तौर पर बच्चों और खिलाड़ियों के लिए इसमें पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की अच्छी मकदार होती है जैसे पोटाशियम और सोडियम वगैरह जो जिसम में फ्लोइड के मुनासब तोजन को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है फिर है जनाब किशमिश किशमिश अंगूर की ही खुश शक्ल होता है ये ना सिर्फ़ एक मज़ेदार नाश्ता है बल्कि ये हेल्थ के हवाले से बेशुमार फवाद भी रखता है किशमिश एंटी से भरपूर होता है बशमूल पोलिफिन और फ्ल्यूनाइट्स ये एंटी हमारे सेल्स को नुकसानदेह फ्री रेडिकल्स की वजह से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करते हैं दिल की बीमारी और कैंसर की बाज़ अकसाम जैसी दायमी बीमारियों के रिस्क को कम करते हैं किशमिश गई फ़ाइबर का कुदरती सोर्स है जो हाजमे में मदद देता है और कब्ज़ को ठीक करता है फाइबर कंटेंट मुफीद गट बैक्टीरिया के लिए गजाइत फ्राह्म करके सेहतमंद गट माइक्रोबायोम को भी फ़रोग देता है किशमिश अपनी कुदरती शक्कर जैसे फ्रुक्टोज और ग्लूकोज़ की वजह से तोानाई का एक तेज़ और आसान जरिया है ये थकावट का मुकाबला करने और जिसमानी सरगर्मियों के दौरान फौरी तोानाई देने के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है किशमिश में फाइबर पोटाशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स की मौजूदगी दिल की सेहत में अहम किरदार अदा करती है किशमिश का बाकायदा इस्तेमाल ब्लड प्रेशर को कम करने कोलेस्ट्रोल की सतह को कम करने और कलबी निज़ाम के मजमू अफाल को बेहतर बनाने में मददगार साबित होता है किशमिश में कैल्शियम और बुरान जैसे ज़रूरी मिनरल्स होते हैं जो हड्डियों को मजबूत रखने और आस्ट्रोप्रोसेस जैसी कंडीशन को रोकने में अहम किरदार अदा करते हैं ये मिनरल्स हड्डियों की कसाफत को बढ़ाने और हड्डियों की सेहत को बेहतर बनाने के लिए हम अंगी से काम करते हैं किशमिश बनाई बढ़ाने वाले गजाई अज़ा जैसे वाइटामिन बीटा कैरोटीन और पोलीफिनक एंटी का भरपूर जरिया है ये अजसा आंखों को उम्र से मुतलक मेकोलर डी बचाने में मदद करते हैं तो अब है जी दूध और किशमिश को इस्तेमाल करने का सही तरीका अपनी खुराक में दूध और किशमिश को शामिल करके आप सब इन शानदार फवैद से फायदा उठा सकते हैं अपने दिन की शुरुआत एक गजाइय से भरपूर अनाज के सबसे ऊपर दही और मुठ्ठी बार किशमिश के साथ करें ये कैल्शियम वाइटाम और फाइबर से भरपूर बैलेंस नाश्ता हो जाएगा जब आपको दिन में स महसूस हो और आपको एनर्जी की जरूरत हो तो मुठ्ठी पर किशमिश लें और खा लें तसली बख्श और गजाइत से भरपूर ट्रेल मिक्स के लिए आप इन्हें गरीदार मेवे के साथ मिला भी सकते हैं पठों की बहाली में मदद के लिए अपने एक्सरसाइज के बाद के मामूल में दूध शामिल करें अपने वर्जिश के सेशन के बाद एक ग्लास दूध या दूध पर मुश्तम प्रोटीन शेक पीने पर जरूर गौर करें किशमिश को बेकिंग में कुदरती मीठे के तौर पर इस्तेमाल करें वो बेक्ड चीज़ें जैसे कुकीज मोफन और डबल रोटी में कुदरती मिठास के लिए शामिल कर सकते हैं बेहतरीन नींद के लिए सोने से पहले एक कप गर्म दूध का लाजमी लें मजेदार जैके के लिए आप दारचीनी का पाउडर या शहद को भी शामिल कर सकते हैं सेहत के हवाले से फवाद को ज्यादा से ज्यादा हासिल करने के लिए जब भी मुमकिन हो दूध और किशमिश का इस्तेमाल लाजमी है इसके अलावा आप किशमिश को दूध में भिगोकर रख दें कुछ देर बाद किशमिश खा लें और दूध पी लें या फिर दूध में किशमिश को पकाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे भी आपको आसानी रहे आप वैसे ही दूध और किशमिश को इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों ये थे दूध और किशमिश के फायदे इन्हें अपनी डेली रूटीन में लाजमी शामिल करें अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज